नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स के विश्लेषण के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का विश्लेषण भी करूंगा, क्योंकि निफ्टी के हर उतार चढ़ाव में बैंक निफ्टी की एक अहम भूमिका होती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपना होमवर्क हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय बाजार शुक्रवार को एक गिरावट के साथ बंद हुए। जो एक तेजी का सिलसिला चल रहा था वो बुधवार को थम गया। होली की छुट्टी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली का असर देखने को मिला। बैंकिंग और ऑटो शेयरों ने खासतौर पर काफी निराश किया। बीएसई इंडेक्स 222 अंक गिरकर 38,165 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 64 अंक गिरकर 11,457 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा आधा परसेंट की कमजोरी के साथ बंद हुए। दोस्तों, जब हमारे भारतीय बाजार शुक्रवार को बंद हो चुके थे, तब उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकन बाजार काफी समय तक चलते रहते हैं, जहां हमने अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में एक काफी तेज गिरावट देखी शुक्रवार को वीकली क्लोजिंग से पहले। क्यों? क्योंकि उसके कई कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो टैरिफ ट्रेड वॉर चल रहा है काफी दिनों से, यानी अक्टूबर में जो शुरू हुआ था, और जिसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर हम देख रहे हैं कि विश्व की काफी सारी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुजर रही हैं। यहां तक कि फेडरल रिजर्व को भी चिंता है। उन्होंने रेट कट को एज इट इज छोड़ दिया, उन्होंने रेट कट नहीं किए, क्योंकि अमेरिका की विकास दर में उन्हें एक कमजोरी दिखती है। तो दूसरी ओर चाइना की विकास दर भी दबाव में है, जहां हम एक मंदी का दौर देख रहे हैं। तो इसका असर, जो हमने गिरावट देखी अमेरिकन बाजारों में, जो एक काफी तेज गिरावट थी शुक्रवार को, जिसका असर हम निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ सोमवार को देखने वाले हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का एक डेली चार्ट है, जिसमें मैंने अपने पिछले एनालिसिस में बताया था कि इसमें कोई शक नहीं कि जो सारी मूविंग एवरेजेस हैं ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही थीं, क्योंकि यहाँ एफआईआईज काफी अच्छी बाइंग कर रहे थे लगातार निफ्टी फ्यूचर्स में, और जिसका रिजल्ट हुआ एक यहाँ तक का मूव। आप यदि मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मैंने कहा था यदि निफ्टी ऊपर भी जाता है, इस लेवल के अंदर अगर एंटर करता है, तो ये दोस्तों ये एक बुल ट्रैपिंग जोन है, जो 11,386 से स्टार्ट होती है और ऊपर 11,756, जहां हमारा पिछला हाई निफ्टी ने लगाया था, इसके बीच में जो ये जो मूवमेंट्स हैं, ये एक बुल ट्रैपिंग जोन कहूंगा मैं इस एरिया को। यहां आपने देखा कि निफ्टी फ्यूचर्स ने शुक्रवार को बंद होने से पहले यहां काफी कोशिश की इस लेवल को तोड़ने की, यानी 11,550 के लेवल को, परंतु तोड़ नहीं पाया और अंत में एक तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। परंतु जैसा कि अमेरिकन बाजार में एक तेज गिरावट देखी है हमने वीकली क्लोजिंग से पहले शुक्रवार को, तो जिसका असर मैं निफ्टी को एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलते हुए देख सकता हूं, जहां की निफ्टी 11,200 के स्तर तक नीचे खुल सकती है, और यदि उसके ऊपर खुली भी, यानी 11,450 के स्तर तक भी खुली, तो फिर निफ्टी में एक तेज सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को एक डेली चार्ट में जो निफ्टी को नीचे 10,850 के लेवल तक धकेल सकता है सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिंग सत्र में, जहां निफ्टी का पहला सपोर्ट है, जहां 200 डेज मूविंग एवरेज पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। परंतु जैसी आजकल ग्लोबल लेवल पर खबरें हैं, मंदी के ऊपर काफी डिस्कशन है, यदि हम इन सब बातों का असर वैश्विक बाजारों पर देखते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह की कल मूवमेंट हुई अमेरिकन बाजारों में, उसका असर विश्व के अन्य बाजारों पर काफी प्रभाव डालेगा, और ये प्रभाव निरंतर एक चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा, जिससे हम वर्ल्ड के अलग अलग बाजारों में भी तेज गिरावट का रुख देखेंगे, जो कि आने वाले हफ्ते में जारी रहेगा। तो इसलिए यहाँ जरूरत है एक साइडलाइन रहने की। यदि निफ्टी यहाँ से, यानी 200 डेज मूविंग एवरेज से एक बाउंस बैक भी लेता है, तो दोस्तों उसे एक रिवर्सल समझने की भूल ना करें, क्योंकि ऐसे फेक
बाउंस बैक हर गिरावट में देखने को मिलेंगे। ये बाउंस बैक क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ शॉर्ट कवरिंग होती है हर गिरावट पर, तो काफी सारे लोग इन बाउंस बैक्स में फंस जाते हैं। मेरा मानना है कि वैश्विक मंदी के चलते हमारे भारतीय बाजार भी आने वाले कई हफ्तों तक इसका प्रभाव झेलते रहेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में हम 10,000 के लेवल को छूते हुए निफ्टी को देखें। तो दोस्तों अब जरूरत है सावधान रहने की। तो आइए अब चलते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की ओर, जहां मैं निफ्टी फ्यूचर्स का आपको हाल दिखाता हूं, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स की मूवमेंट होती रहती है हमारे भारतीय बाजारों के बंद होने पर भी। तो यहां आप देखें कि निफ्टी फ्यूचर्स ने भी एक स्टीप अपवर्ड मूव किया था यहां इन लेवल से, और अंत में वो 11,640 के लेवल को नहीं तोड़ पाया। शुक्रवार को जहां से हमने एक तेज गिरावट देखी, ये कैंडल है दोस्तों, ये डेली चार्ट है, ये कैंडल है बृहस्पतिवार का, जहां हमने निफ्टी ने थोड़ी बढ़त देखी थी, परंतु सेशन के आखिरी कुछ घंटों में हमने तेज गिरावट भी देखी, जो कि पहला इंडिकेटर था निफ्टी में आने वाले एक तेज गिरावट का, जिसका हमने असर शुक्रवार को देखा, और निफ्टी एक तेज गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि निफ्टी को 11,472 के लेवल तक इस दबाव को झेलना पड़ा। और मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स यदि 11,300 के लेवल के नीचे खुलते हैं सोमवार को, तो हम एक तेज गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स में भी देखेंगे, जिनका सीधा सीधा असर निफ्टी 50 इंडेक्स पर आएगा। और जहां पहला सपोर्ट 200 डेज मूविंग एवरेज पर मिल सकता है, जो 10,934 के स्तर पर है, अभी 200 डेज मूविंग एवरेज यदि निफ्टी फ्यूचर्स इस 10,934 के स्तर को तोड़ गए अन्य बाजारों में मंदी के चलते, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम निफ्टी फ्यूचर्स को फिर से 10,547 के स्तर तक नीचे आते हुए देखेंगे। यदि यहाँ कुछ सपोर्ट मिली निफ्टी फ्यूचर्स को, तो हो सकता है हमें फिर वापस एक बाउंस बैक मिले 10,900 के स्तर तक। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि अब नीचे के मूव से, नीचे के लेवल से जब निफ्टी फ्यूचर्स ऊपर का एक अपवर्ड मूव लेते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आने पर, तो वापस ऊपर की ओर जाने पर 200 डेज मूविंग एवरेज एक स्टिफ रेजिस्टेंस प्रदान करता है हर किसी अपवर्ड मूव को। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि अब कि भारत में इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, जिसके चलते आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी हो चुका है, जिनका डायरेक्ट असर हमारे भारतीय शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा। ये फैसला तो जब होगा तब होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, परंतु अभी बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल है, इसलिए सावधान रहें। और मैं तो कहूंगा कि एक आम निवेशक को साइडलाइन रहना चाहिए, क्योंकि कुछ स्थिरता आने के बाद ही वो बाजार में प्रवेश करें जहां की कुछ टेक्निकल्स काम करते हैं। और ये ना भूलें कि आपको खरीदने के मौके बहुत मिलेंगे, और जब निफ्टी या कोई इक्विटी मार्केट इंडेक्स जब एक क्रैश के दौर से गुजरते हैं, तो वहां कोई खरीदार नहीं हाथ डालता, लोग डरते हैं खरीदारी करने से, तब समय होता है बाजार में निवेश का। और उस समय किया गया निवेश एक दो साल में ही हमें अच्छे रिटर्न्स दे देता है, इसमें कोई शक नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं बैंक निफ्टी पर। तो दोस्तों यहाँ आप देखें कि बैंक निफ्टी के एक डेली चार्ट में भी वही सेम फॉर्मेशन है कि मूविंग एवरेजेस एक बुरी सिग्नल तो दे रही है, और यहाँ बैंक निफ्टी ने 200 डेज मूविंग एवरेज पर तीन बार सपोर्ट दिया, और आखिरी सपोर्ट दिया 27 फरवरी 2019 को, जहां से हमने एक तेज छलांग देखी बैंक निफ्टी में। परंतु इस जोन में एंटर करने के बाद, जो कि ट्रैपिंग जोन का अपर एंड है, यहां तक बैंक निफ्टी ने हिमाकत दिखाई इसको क्रॉस करने की, परंतु यहां हमने शुक्रवार को एक तेज गिरावट देखी, और ये तेज गिरावट अब वैश्विक बाजारों में फाइनेंशियल मार्केट्स में मंदी के चलते हम एक गैप डाउन ओपनिंग देखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी में भी, जो कि बैंक निफ्टी को 29,000 के लेवल से नीचे धकेल सकता है गैप डाउन। और यदि बैंक निफ्टी 29,000 के लेवल के नीचे गया, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम बैंक निफ्टी में तेज गिरावट देखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को 200 डेज मूविंग एवरेज तक डेफिनेटली लेकर जा सकता है, जो कि 27,785 के
लेवल पर है अभी 200 डेज मूविंग एवरेज एक डेली चार्ट में, और यदि फाइनेंशियल मार्केट्स में और क्राइसिस क्रिएट होते हैं ग्लोबल मार्केट्स में तो बैंक निफ्टी यहां 200 डेज मूविंग एवरेज को भी तोड़ सकता है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी हमारे भारत के काफी सारे बैंकों में बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इसलिए मैं आज कोई किसी भी शेयर्स के मूवमेंट पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आम निवेशक इस समय किसी भी अवस्था में बाइंग करने की कोशिश करे किसी शेयर में या उसे शॉर्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि बाजारों में आने वाली उथल पुथल का एक काफी अनिश्चित मूव्स होंगे। तो इसलिए अब जरूरत है सावधान रहने की, जो लोग निवेशित हैं और उन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो उनसे मैं कहूंगा कि वो स्टॉप लॉस लगा कर चलें और कोशिश करें निकलेंगी, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन जो क्रिएट किए हुए हैं वो अपने शॉर्ट्स पर भी एक निश्चित स्टॉप लॉस लगा दें और फिर इंतजार करें। यदि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो अपने स्टॉप लॉस को भी धीरे धीरे नीचे ले आए और वहां स्टॉप लॉस लगा के रखें, और अपने टारगेट्स को जो उन्होंने नीचे के लेवल पे लगाए हुए हैं उनको आप और नीचे लेके आ सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया है वो 200 डेज मूविंग एवरेज पर अपना टारगेट लगाएं, परंतु अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी नीचे लाना ना भूलें हर गिरावट में, परंतु फ्रेश शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इनकी जो पोजीशन है ये एक फिर से उछाल का मौका दे सकती है इंडेक्सेस को, क्योंकि कोई भी एक छोटी सी पॉजिटिव खबर इनमें एक बाउंस बैक दिखा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट होगा बुल्स का हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो कि एफआईआई की खरीद के कारण भी हो सकता है यानी और या डीआईआई की खरीद के कारण भी हो सकता है। परंतु मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा कि जब एफआईआई किसी इंडेक्स में या किसी शेयर में बाइंग एकदम से बाइंग करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो बाइंग क्यों कर रहे हैं, वो उसको ऑप्शंस में शॉर्ट करेंगे या फ्यूचर्स में शॉर्ट करेंगे। तो वो इसलिए बाइंग की जाती है, वहां हेजिंग की पोजीशंस खड़ी होती हैं जो कि एक बहुत तेज उथल पुथल मार्केट में क्रिएट कर देती हैं। इसलिए आप अपना दिमाग खुद लगाएं, खुद अपना फैसला लें और सोच समझ कर ही कोई पोजीशन लें और आने वाले खबरों पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखें। आपका ध्यान मेनली होना चाहिए अमेरिकन बाजारों के मूवमेंट्स पर और विश्व के अन्य बाजारों पर जो कि वैश्विक मंदी के खतरे में हैं, जिसका संकेत फेडरल रिजर्व ऑलरेडी दे चुका है। उन्होंने रेट कट करने की बजाय एज इट इज छोड़ दिया है, रेट कट नहीं किए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इन सब बातों का। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।